प्रदेश उत्तराखंड गोवा में शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरा दमखम झोंके हुए है। नागपुर महानगर पालिका प्रवर्तन विभाग ने लक्ष्मी नगर, हनुमान नगर और लकड़गंज जोन में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। राजस्थान की एक पोस्को अदालत ने 4 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। हैदराबाद प्रवर्तन निदेशालय ने 370 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में पीसीएच कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च बाद भाजपा फिर से एक हाथ से विकास कार्य व दूसरे हाथ से बुलडोजर चलाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का दूसरा चरण बीजेपी के लिए पहले चरण के चुनाव से अधिक चुनौती भरा है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले 25% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। उत्तरी दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 2 लोग घायल हो गए जबकि 5 अन्य के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक पुलिस ने यादगिरि जिले में एक 18 वर्षीय युवक की आत्महत्या के मामले का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद कई एटीएम मशीन चोरी में शामिल मेवात स्थित एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।